फ्रेंड्स, केपी एस्ट्रोलॉजी में टेनेंटेड प्लेनेट और अनटेनेंटेड प्लेनेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये प्लेनेट जो P1 है, ये ए कंडीशन की बात है। तो हम जानते हैं कि हर प्लेनेट के 3 स्टार होते हैं। तो ये प्लेनेट है और इनके ये 3 स्टार हैं। ये प्लेनेट 1, इनके तीनों 3 स्टार खाली है, अनऑक्यूपाइड है। इसलिए ये ए कंडीशन वाला जो प्लेनेट P1 है, ये हम अनटेनेंटेड ट्रीट करेंगे। अब कंडीशन बी की बात करते हैं। तो ये जो प्लेनेट P1 है, इनके जो 3 स्टार है, ये 3 स्टार में कोई दूसरा प्लेनेट P2 बैठा है। तो इसका मतलब ये बी कंडीशन में P1 प्लेनेट को हम टेनेंटेड ट्रीट करेंगे। अब सी कंडीशन की बात करते हैं कि ये प्लेनेट P1 है, इनके जो 3 स्टार है, इनमें से एक में, कोई एक में खुद बैठ जाता है, P1 प्लेनेट खुद बैठता है और बाकी वाले 2 प्लेनेट में कोई बैठा नहीं है, तो इस कंडीशन को भी हम अनटेनेंटेड कहेंगे। अब बात करते हैं कंडीशन डी की। डी में ये जो प्लेनेट P1 है और इनके जो 3 स्टार है, ये 3 स्टार में से कोई एक में ये प्लेनेट खुद बैठ जाता है और बाकी वाले एक में या 2 में कोई दूसरा प्लेनेट बैठता है, P1 के अलावा P2 है, P3, कोई भी प्लेनेट। तो इस कंडीशन में हम प्लेनेट P1 को टेनेंटेड ट्रीट करेंगे। अब ये कंडीशन ई और एफ, ये दोनों की बात करते हैं। तो ये एक दूसरे के स्टार में बैठे हैं। ये P4 P3 के स्टार में बैठा है और P3 P4 के स्टार में बैठा है। तो ये एक्सचेंजिंग पोजीशन हो गई है। तो कई एस्ट्रोलॉजर इसे अनटेनेंटेड ट्रीट करते हैं, लेकिन अनुभव में ये पाया नहीं जाता है, इसलिए इसे हमें टेनेंटेड ट्रीट करना चाहिए। तो कंडीशन ई टेनेंटेड है और एफ भी ये टेनेंटेड ट्रीट करेंगे। और ये फल देने में ये अनटेनेंटेड प्लेनेट, प्लेनेट लेवल और स्टार लॉर्ड लेवल, दोनों लेवल पर का वो फल देता है। और टेनेंटेड प्लेनेट ये अपने प्लेनेट लेवल पर बहुत वीकली फल देता है, लेकिन अपने स्टार लॉर्ड का फल एकदम स्ट्रांगली वो देता है, प्रोवाइडेड सब लॉर्ड से सपोर्ट मिलता है। तो छोटा सा मतलब एग्जाम्पल देखकर हम ये तय करेंगे, मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ये सारे प्लेनेट्स है और ये सेकंड कॉलम में इनके नक्षत्र लॉर्ड लिखे हैं। ये केतु का नक्षत्र लॉर्ड मून है, शुक्र का बुध है, ऐसे ये प्लेनेट उदाहरण के लिए, समझने के लिए लिखे हैं। अब केतु ये मून के स्टार में है और मून केतु के स्टार में है। तो ये हमने जो कंडीशन ई और एफ जो देखी, ये इसका उदाहरण है। देखिए, ये ई और एफ का उदाहरण है। इसी तरह ये शुक्र है, ये अनटेनेंटेड है और ये कंडीशन ए का उदाहरण है। ये सूर्य है, ये टेनेंटेड है, कंडीशन डी का उदाहरण है। इसी तरह ये राहु, ये अनटेनेंटेड है, जुपिटर भी अनटेनेंटेड है और सैटर्न भी अनटेनेंटेड ही कहलाएगा, क्योंकि सैटर्न खुद अपने स्टार में बैठा हुआ है, लेकिन इनके बाकी वाले 2 स्टार में कोई बैठा हुआ नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ लिखी है, ये इसका उदाहरण है। आप स्क्रीन शॉट लेकर समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी या डिस्कशन का पॉइंट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोबारा इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।